आज आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब कल यह सवाल उठाया कि छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली के मंत्री और दिल्ली MCD सरकार क्या कर रही है, तो इनके 3 विधायकों ने आज एक सूत्र लेकर आए। उसमें एक विधायक इनके बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी 10 सूत्री कार्यक्रम लेके आज आए हैं और छठ शुरू होने में 10 घंटा भी नहीं बचा है। तो ये इनके नियति को और दिल्ली सरकार और इनके मुख्यमंत्री के नियति को शो कर रहा है। इनके दूसरे विधायक बोल रहे हैं कि 1000 घाटों पर पूजा की व्यवस्था की जाएगी। कुछ ही दिन पहले इनके मंत्री आतिशी जी ने ये बोला कि 1000 घाट का निर्माण किया जाएगा। तो निर्माण से ये लोग व्यवस्था पर आए, व्यवस्था से अब पूजा की व्यवस्था पर आ गए हैं। इनके एक विधायक ये बोल रहे हैं कि माननीय सांसद मनोज जी छठ मैया के गीत गाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं इनको चुनौती देता हूँ कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि छठी मैया में इतनी ताकत है कि उनके गीत से यहाँ तक पहुंचे। तो छठी मैया इनके मुख्यमंत्री और इनके मंत्री विधायकों को सद्बुद्धि दें कि छठ मैया के नाम के पर आस्था के नाम पर खिलवाड़ न करके कुछ काम करें तो इनकी भी भला होगी। ये मेरा आम आदमी सरकार और दिल्ली के मुखिया से मांग है। और ये लोग निर्माण की जगह छठ घाट को तोड़वा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यह बाहरी दिल्ली के बवाना विधानसभा का दृश्य है जहां इनके एक विधायक जय भगवान पुकार ने खड़े होकर और छठ घाट को तोड़वाया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, बाद में परिस्थिति को संभाला गया है। और आज मैं डिमांड करता हूं उनके मुख्यमंत्री से कि छठी मैया के साथ खिलवाड़ नहीं करें और हमारे आस्था के पर्व के साथ खिलवाड़ करके जमुना से इसको मिटाने का प्रयास नहीं करें।